फिल्म मेरी हाल ही में फिल्म आई थी जादूगर, तो उसमें एक अलग किस्म का रोल था और लोगों ने पसंद भी किया था, काफी एक सीरियस किस्म का रोल था। तो डांस किया, कॉमेडी किया। अब इंसान समझता है, ऐसे बिजनेस को भी समझना होता है कि भाई ये भाषा समझ गए हैं, चलो उसको बदल के देखते हैं। अब ऐसे बोल गए, अंदाजे बयान जिसको गए, तो समझता है प्रोड्यूसर डायरेक्टर उसको, भाई ठीक है अब ये चाह रहे हैं लोग तो हम इसका करने लगा। आप सब मसूरी निजी दौर पर आए हैं किसी फिल्म की शूटिंग? हमारी एक वेब सीरीज है जो जियो प्रोड्यूस कर रहे हैं और डिंग प्रोडक्शन तनवीर बुकवाला है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसकी शूटिंग के सिलसिले में आए थे। सर मसूरी में कौन कौन से लोकेशन आपने देखी है यहाँ? अब एक ही दिन की शूटिंग थी हमारे यहाँ पे, तो यहाँ से करीबन मॉल रोड है, एक 1.5 घंटे दूर, जगह का नाम काफ़ी याद नहीं, छोटा सा गांव था, तो वहाँ पे शूटिंग की थी हमने। सर आजकल बॉलीवुड में एक बाइक और ट्रेंड चल रहा है सर, उसको लेकर बॉलीवुड में ट्रेंड नहीं चल रहा है, बाहर के कुछ ऐसे लोग हैं जो मतलब ये हरकतें कर रहे हैं पॉलिटिकल मोटिवेशन के लिए। सो आई डोंट बॉलीवुड कहाँ कर रहा है, बॉलीवुड तो अपना काम कर रहा है। बॉलीवुड तो एक्चुअली टर्म भी गलत है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बात करें आप तो, हमारे यहाँ तो हम तो अपनी जो भी फिल्में बना रहे हैं, हमारा जो काम है फिल्में बनाना, मनोरंजन करना, ये सब बॉयकॉट वॉयकॉट तो कुछ छोटे मोटे यहाँ वहाँ के जो अपनी आवाज़ बेचारे कहीं बोलते ना कि भाई मुझे भी कोई देखे मुझे भी कोई सुने, तो उड़ जाते हैं बॉयकॉट करने के लिए कुछ। सर आप एक बहुत प्रसिद्ध जो टीवी शो आता था बूगी बूगी जी, उसमें काफी बच्चों ने प्रतिभा जी जी, तो सर वो बंद हो चुका था, उसकी लेकर आगे किस तरीके? अब पता नहीं, देखिए हम तो रेडी हैं, नावेद मैं और रवि भी हैं, तो हमने तो कभी मना भी नहीं किया, हमारे पास तो नए नए आइडियाज़ भी थे, बट तो चैनल्स का अपना अपना अंदर कुछ होता है हिसाब किताब, को किसी वजह से तो नहीं हुआ, तो पर हम तो तैयार हैं कुछ भी करना हो, एवर रेडी, कुछ नया भी है हमारे यहाँ पास में। तो सर इससे पहले भी आप मसूरी आए हैं? मसूरी मैं पहले नहीं आया, देहरादून आया हूँ मैं, मसूरी तक आने का मौका नहीं हुआ था मुझे, तो यार बड़ी प्यारी खूबसूरत जगह है। सर आप पहाड़ों की रानी मसूरी में विश्व विख्यात पर्यटक, पहाड़ों का राजा कौन है? पहाड़ों का राजा आप नहीं पता नहीं, अगर ये रानी है मसूरी तो राजा कौन है? तो अनपुर को राजा कह सकते हैं हम, लेकिन यहाँ के बच्चों को कोई आप संदेश देने चाहेंगे आज मसूरी में हैं आप? नहीं बच्चे तो भाई पूरे हिंदुस्तान के बच्चे हो गए ना, मसूरी एक जगह तो नहीं है, मसूरी हिंदुस्तान का हिस्सा है। मेरे ख्याल से बच्चों को एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए, आजकल हर चीज़ों को मैनिपुलेट किया जा रहा है यार, बच्चों को भी मैनिपुलेट कर रहे हैं, एजुकेशन को भी मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से हमको माँ बाप को ये थोड़ा सावधान रहना चाहिए कि जो लोगों को तोड़ने की बातें करते हैं, जो जोड़ने, और हाल ही में विक्रम लगी थी, तो जहाँ तक हिंदी फिल्मों का ताल्लुक है आई थिंक दो ही फिल्में थोड़ी चली हैं, एक तो हमारी भूल भुलैया चली हैं जो कॉमेडी थी, और ब्रह्मास्त्र तो एक वो एक अलग लेवल की एक्शन फिल्म है, तो आई थिंक समझ, देखिए इंसान समझता है, ऐसे बिजनेस को भी समझना होता है कि भाई ये भाषा समझ नहीं रहे, चलो उसको बदल के देखते हैं, अब ऐसे बोल के अंदाजे बयां जिसको कहते हैं, तो समझता है प्रोड्यूसर डायरेक्टर उसके, भाई ठीक है अब ये चाह रहे हैं लोग तो हम इस तरह की फिल्में बनाते हैं। सर आप बहुत अच्छे डांसर भी हैं सर, और आपने कई फिल्मों में, अभी थोड़े जैसे फिल्म मेरी हाल ही में फिल्म आई थी जादूगर, तो उसमें एक अलग किस्म का रोल था और लोगों ने पसंद भी किया था, काफ़ी एक सीरियस किस्म का रोल था, तो डांस किया, कॉमेडी की, अब थोड़ा सीरियस रोल्स मिल रहे हैं तो उसमें एक उस तरफ भी हो रहा है, लेकिन ऐसा तो नहीं, मुझे कॉमेडी बहुत पसंद भी है, अब वो हमारी धमाल फिल्म का एक पार्ट 4 शायद अभी इंद्र कुमार साहब सोच रहे हैं कि अब अगली फिल्म उनकी वो होगी, तो उसके लिए मैं काफ़ी उत्सुक हूँ, एक्साइटेड हूँ। सर बॉलीवुड में आप किसको अपना वो मानते हैं कि जो आपको बहुत पसंद है बॉलीवुड में? मुझे कई लोग पसंद हैं, अच्छे लोग बहुत हैं, अच्छे कलाकार बहुत हैं, अभी हाल में नए नए जो लोग हैं शाहिद कपूर हैं, रणबीर कपूर, रणबीर सिंह, सारे अच्छे एक्टर हैं, और जो हम मेन स्ट्रीम सिनेमा की बात करते हैं।
मेरा कोई आइडिया नहीं, मैं सबसे कुछ ना कुछ प्रोत्साहित हूँ। हम तो दिलीप साहब को देख के, अमिताभ बच्चन साहब को देखा हमने, नसीर भाई हैं, कमल हसन साहब हैं। कमल हसन मेरे लिए बहुत, मैं पसंद करता हूँ उनको, क्योंकि वो अलग अलग चीज़ें कोशिश करते हैं करने के लिए। थैंक यू। ये मैं काफ़ी उत्सुक हूँ, एक्साइटेड हूँ। सर, बॉलीवुड में आप किसको अपना रोल मानते हैं कि जो आपको बहुत पसंद है बॉलीवुड में? मुझे कई लोग पसंद हैं, अच्छे लोग बहुत हैं, अच्छी बातें करें, लोगों को मिलाएं। मेरे ख्याल से बच्चों के लिए यही है कि प्यार मोहब्बत की बातें करो, ये सब मैं ये और तू वो इसमें मत जाएं। सर, आपकी अपकमिंग फिल्म्स कौन कौन सी हैं सर, और कब तक आ जाएंगी? अभी एक नाम हम ले नहीं सकते, क्योंकि हमारा कॉन्ट्रैक्चुअल उनका होता है, तो हम नाम नहीं ले सकते। तो ये एक है जियो के लिए, और एक मेरी फिल्म है, एक साहब थे उन्होंने फिल्म बनाई थी तुम्बाड़, राही अनिल बर्वे, तो उनकी एक फिल्म है माय सभा, वो रेडी है। एक संतोष सिवन साहब के साथ एक फिल्म की है, वो थोड़ी आर्टिस्टिक किस्म की फिल्म है, तो वो भी एक तैयार है। बाकी ये एक सीरीज़ अभी शुरू हुआ है, और हाँ, और एक फिल्म शुरू होने वाली है, अगर उसके बारे में मैं अभी फिलहाल बता नहीं, तो और एक सीरीज शुरू हो रहा है अमेजोन के लिए, तो वो नवंबर में शुरू होगा। सर, तो साउथ की फिल्में जो है आज के लोग बॉलीवुड पे काफ़ी हावी हो रही है, और जो बॉलीवुड की फिल्में हैं वो भी लगातार साउथ की कॉपी कर रहे हैं, उसको लेकर सर आप? नहीं, देखिए, मैं हिंदुस्तान को एक मुल्क मानता हूँ। अब हम बोलते साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, फिल्म हिंदुस्तान की फिल्म, देखिए वो एक ज़बान में बनी गई हैं, लेकिन फिल्म की एक ज़बान अपनी ज़बान होती है। फिल्म की कोई ज़बान ऐसे नहीं कि भैया हिंदी, तमिल, एक फिल्म की एक ज़बान होती है जो आप देखते हैं, ठीक है, सुनने के लिए तो उसको डब कर देते हैं, चाहे हिंदी फिल्मों में भी ब्रह्मास्त्र है, वो तमिल में भी है, तेलुगु में भी है, वगैरह, तो ऐसे होता रहेगा कि ज़बानें हम डबिंग करके अलग अलग भाषाओं में हिंदुस्तान की जो है वो फिल्मों को हम प्रदर्शित करें। बट मेरे ख्याल से साउथ में कुछ उन्होंने एक कुछ चीज़ें जो एक रूट, एक जो जड़ होती है इमोशंस की, जो हिंदुस्तान के लोग जिससे जुड़ते हैं, आई थिंक उन्होंने वो कुछ समझा हुआ है थोड़ा, और हम, मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि कभी अलग होने की कोशिश में हम उस रूट से हट जाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब आ रहे हैं, क्योंकि वो जो इमोशंस होते हैं हमारे, वो के जो भावनाएं होती हैं, जो माँ है, भाई है, देश के प्रति है, या तो ये चीज़ों से जुड़ के रहना, और एक एक्शन का बेसिक ज़बान होती है, जो मास्टर्स की बात कर रहा हूँ, तो वो आई थिंक आइडेंटिफाई करते हैं उन चीज़ों से। तो उन्होंने कुछ एक फॉर्मूला तो नहीं कह सकते हम, लेकिन एक नैरेटिव जो कहने का तरीका होता है, वो आप आर आर देखें, के जी एफ देखें।